अहमदाबाद के एक डिजाइनर ने एक बार देखा कि धातुओं से बने कुछ प्राचीन बर्तनों को लोग कबाड़ी में बेच रहे थे। उनको पिघलाने के लिए तोड़ा जा रहा था। उन प्राचीन बर्तनों को बचाने के लिए उनका दिल द्रवित हो गया। वह मानते थे कि उन बर्तनों के पास आने वाली पीढ़ियों से कहने के लिए कहानियां हैं कि कैसे हमारे पूर्वज भोजन बनाते थे और परिवारों को कैसे पालते थे। उन डिजाइनर का नाम था श्री सुरेंद्र पटेल। वो फैक्ट्री देखने को मिलेगी जिसमें बड़ा ब्यूटीफुल नक्शी वाले नटासी वाले लोटे बर्तन को तोड़ के भट्टी में डालते थे। मैंने कहा क्यों ऐसा करते हो? तो इन्होंने बोला ब्रास कॉपर की वैल्यू इंडस्ट्री में होती है तो हम इसको स्टेप के हिसाब से लाते हैं और फिर देते हैं। मैंने बोला पर ये डिजाइन आने वाली पीढ़ी तो नहीं देखने को मिलेगी। कलाकृति जैसे उन पुरातन बर्तनों को बचा लेने की संवेदना से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति से परे जाकर उन्हें खरीदना शुरू किया। और डॉक्टर ज्योतिन्द्र जैन जो जर्मनी से आए थे तो मैं उनको मिला के मुझे इसको बचाना है और उन्होंने सलाह दिया और एक म्यूजियम बनाया। वह 40 से भी ज्यादा वर्षों तक एक एक करके प्राचीन बर्तन खरीदते रहे। विचार ट्रस्ट विचार धातु पात्र संग्रहालय प्रसिद्ध विशाला एक्सपीरियंस सेंटर के ही प्रांगण में विशाला एनवायरमेंटल सेंटर फॉर हेरिटेज ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर एंड रिसर्च यानी विचार म्यूजियम नाम से एक औपचारिक म्यूजियम का स्वरूप दिया गया। यहाँ लोहे पीतल तांबे कांस्य मिट्टी चांदी और सोने से बने 6000 से ज़्यादा बर्तनों को जतन से संभाल कर रखा गया है। यहाँ एक इंच की चम्मच से लेकर 6 फीट के डायामीटर की कढ़ाई जैसे कई बर्तन हैं। हजारों की संख्या में घड़े और कढ़ाई तो है ही, छोटे से लेकर 3 फीट के लोहे के ताले भी हैं जो कई सदियों पुराने हैं। म्यूजियम गैलरी ओपन एक्सेस है। दर्शक और उन कलाकृतियों के बीच कोई पार्टीशन भी नहीं है। प्राकृतिक वातावरण में बने इस म्यूजियम के आंगन में एक छोटा सा शिव मंदिर भी है। उसके शिवलिंग पर रखा जाने वाला धातु का मुखारविंद करीब 150 साल पुराना है। जब हम स्वादिष्ट और सात्विक भोजन करने के लिए विशाला जाएं, या विशाला आर्ट गैलरी में हुए कोई कला प्रदर्शन को देखने जाएं, विचार म्यूजियम के बिना हमारी विशाला की यात्रा अधूरी है।